रेल के उसमें सहयोग करने से इस कार्यक्रम को हमें पोस्टपोन करके आज 4 तारीख को करना पड़ा। तो इसके लिए जो आप लोग आज उपस्थित हुए, आप सभी लोगों को धन्यवाद कि आप और शॉर्ट नोटिस में दिल्ली में आकर के इस कार्यक्रम में शरीक हुए, क्योंकि समय की मांग है और मांग को देखते हुए जो अभी पिछले दिनों हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने 20 मार्च को एक आदेश जारी किया अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून, जिसके सेक्शन 18 में बदलाव करने का प्रयास किया है, उसको लेकर के हमारे समाज के लोग उत्तेजित स्वाभाविक है होना। बहुत सारी इस पर चर्चा हुई, केंद्र सरकार ने आप लोगों के दबाव में आकर के सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दायर की, जिसकी कल सुनवाई हुई है, और SC ST ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से जो वकील खड़े किए गए थे उनको भी हमने इसमें आमंत्रित किया है, वो आपके समझ आएंगे। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने से पहले आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री BL वैरवा जी करेंगे, जो हमारी एसोसिएशन के केंद्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष भी हैं, और आपकी अनुमति से, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे रेलवे से हटकर के दूसरे संगठनों के लोग भी आए हुए हैं, रेल के हमारे जो जोनल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट हैं वो भी सभी लगभग इसमें सम्मिलित हुए हैं, आप लोगों के विचार हमने सुने हैं। तो इसी क्रम में समय, क्योंकि हमारे बीच में हमने ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है ये दलित संसद के नाम से किया है, और ये जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के नाम से, इसका उद्घाटन माननीय मोदी जी ने किया है अभी पिछले दिनों। कुछ असुविधा हुई क्योंकि सरकार और जो इसके कॉन्ट्रैक्टर हैं उसमें तालमेल अभी नहीं है, इस वजह से हमको असुविधा हुई है, कोई बात नहीं। तो मैं इसी क्रम में सबसे पहले जो हमारे जोनल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट हैं उनको मैं आमंत्रित करूंगा। साथ में ही हमने जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के सांसद हैं उनको आमंत्रित किया है, वर्तमान में जो सांसद हैं और पूर्व के जो सांसद हैं सभी को हमने आमंत्रित किया है, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को हमने विशेष रूप से आग्रह किया है कि ये जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने जो 20 मार्च को अपना निर्णय दिया है, इसमें अपना पक्ष आकर के समाज के सामने रखें, और उनसे ये भी अनुरोध किया है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हो सकते हैं, आपकी विचारधारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई हो सकती है, आपकी पार्टी ने क्या किया क्या नहीं किया यहाँ पर ये समाज ये सुनने के लिए नहीं आया है। हम सिर्फ उन सांसदों से ये अनुरोध कर रहे हैं कि यहाँ आए हुए समाज को, जिनके उस समाज के प्रति जो इनके प्रतिनिधि हैं उनकी जवाबदेही बनती है कि हम आगे की भविष्य की रणनीति हमारी क्या होगी, और अगर सर्वोच्च न्यायालय इस पर कोई निर्णय हमारी फेवर में नहीं देता है तो आप संसद में किस तरीके से इस बात मुद्दे को उठाएंगे, ये सारी चर्चाएं आज माननीय सांसद महोदय यहाँ पर रखेंगे। हमारे बीच में हमारे समाज के मीडिया जो चलाने वाले लोग हैं
आदरणीय अंटानी जी भी हैं और मनोज पिपल जी आप सारे आज सौभाग्य का विषय है हम लोगों का कि हमारे समाज के जितने मीडिया जो चलाने वाले हैं उन सबको हमने आमंत्रित किया है और लगभग सभी मीडिया कर्मी यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो मैं सबसे पहले जो हमारे ईस्टर्न रेलवे के जोनल सेक्रेटरी हैं समीर दास जी, आप आए और जो वर्तमान स्थिति है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून और जो रिजर्वेशन पॉलिसी में जिस तरीके से न्यायालय विभिन्न निर्णय दे रहे हैं और जो असर पड़ रहा है उस पर चर्चा करेंगे समीर दास जी, जोनल सेक्रेटरी ईस्टर्न रेलवे।